नहीं बोला वो किसने नहीं बोला वो अपने मर्जी से नहीं जा रहा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप कब तक धमकाते रहेंगे हमें क्या आपको एहसास नहीं है आपको बिल्कुल एहसास नहीं अगर धमकाना होता तो अभी बुला के देते नहीं नहीं आपने बुलाया नहीं आप मजबूर हो गाड़ी आपने की ठीक है ना आइंदा से ऐसा नहीं कर रहे आप नस्ल खुशी करेंगे लेकिन अगर हम एक साथ हो जाएं तो हम इस इंतजामिया को इस रियासत को भी ये पैगाम दिला सकते हैं कि बलोच अपनी नस्ल खुशी के खिलाफ यकजा खड़ा है। ये तहरीक इस तहरीक का आज 25वां दिन है लेकिन आज मैं समझती हूँ कि ये तहरीक एक नए फेज में जा रही है। ये तहरीक यहाँ खत्म नहीं होगी। ये तहरीक जहाँ जहाँ से हम जाएंगे इस्लामाबाद में हमें जहाँ बैठना पड़ा हम बैठेंगे। मैं यहाँ से हमारा अगला पड़ाव तौंसा शरीफ होगा। तौंसा में हम एहतजाजी रैली करेंगे मुजाहरा करेंगे। आप सबसे डेरा गाजी खान के आवाम से गुजारिश है कि अगर आप लोग के पास ट्रांसपोर्ट है तो हमारे साथ आएं इस कारवां का हिस्सा बने और तौंसा शरीफ के तमाम बलोचों से ये अपील है कि वो भी आएं और इस रियासत को घर से निकले। ये हमारा एहतजाज है हमारी वोटिंग ये है। आज देखे इलेक्शन अब हो रहा है बलूचिस्तान में जिस जिस एरिया से जो जो बलोच निकला है वो आपके खिलाफ इलेक्शन के लिए ये इलेक्शन है ये हमारा रेफरेंडम है। आप देखे बलोच अपनी नेशनल खुशी के खिलाफ यकजा खड़ा है इस रेफरेंडम में इस इलेक्शन में आए हमारा साथ दें और जहाँ जहाँ से ये रवांक निकलेगा अभी इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना है आप लोगों ने जब तक हम इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में भी मेरा आप सबसे यही अपील है बलोचिस्तान के पश्तून जो भी है बलोच हैं सबके लापता अपराध से जो शख्स आ सकता है इस तहरीक में आए। हम एक महीना बैठे या दो महीना बैठे आपने अपने दिन रात देने और इस तहरीक को कामयाब करना है। हम कल अगर इंतजामिया ने हमारे रास्ते में रोड़े ना अटकाए तो कल हम डीआई खान से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। डीआई खान के बलोच और पश्तून मैं उन सबसे अपील करती हूँ कि आप सब ने अपने घर से निकलना है आप सब ने अपने बच्चों के साथ अपनी औरतों के साथ इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुँचाना है। इस्लामाबाद टूर प्लाजा के लोग जब हमारी तादाद देखेंगे तो वो भी हैरान हो जाएंगे कि वो विफाक जिसने हमारे वसाइल से हमारी नस्ल खुशी की आज वही बलोच उसके दरवाजे पर खड़ा है और वही बलोच उसको बोल रहा है कि मेरी नस्ल खुशी अब नहीं चलेगी तुम्हें अपनी पॉलिसियां बदल करनी पड़ेंगी